हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज रेसिपी। आज मैं लेके आई हूँ और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे फिश करी। अभी हम फिश को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर चुके हैं और इसको लाल करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ये दोस्तों बहुत ही आसान रेसिपी है, आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे राइस के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा लगता है खाने में, अच्छा लगता है। हम इसे पलट देंगे और आप लोग देख सकते हैं इसमें कलर आना शुरू हो चुका है। और इसको अच्छी तरह से पकने दें, अच्छी तरह से नरम हो जाए और थोड़ा कलर आ जाए इसमें। अब इसको हम ऑयल से निकाल देंगे। ये फिश बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम जो ये फिश का मसाला बनाएंगे, उसके बाद करी बनाएंगे। आप लोग दोस्तों देख चुके हैं, ये देखिए फिश बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमारा ये ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हम थोड़ा हंडी फूटन देंगे और देके इसमें हम जो मसाला करा हुआ है उसमें डाल के भूनेंगे। दोस्तों, आप ये फिश करी में अगर हंडी फूटन देंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है ये फिश का। और ये इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और हल्दी के पाउडर, जीरा के पाउडर, धनिया के पाउडर और तीखी मिर्च के पाउडर दे देंगे। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक इसमें तेल ना उठ जाए। और इसमें कुछ कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसमें हम पकने देंगे जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। लोग दोस्तों देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से मसाला भून रहा है, इसमें तेल भी निकल रहा है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग दोस्तों अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को कैसे कैसे रेसिपी चाहिए। मैं वैसे ऐसे रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बहुत ही अच्छी तरह से भुना हो चुका है। अब हम इसमें और जो फिश फ्राई करा हुआ है इसमें हम डालेंगे और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये फिश करी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसे खाएंगे, खाने के लायक बन चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे और खाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट